हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करते हैं लेमिस थ्योरम के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द बॉल। ये मैंने एक बॉल मानी है ड्यू टू साइड वॉल। ये जो हमारी ये चीज़ है ये साइड वॉल है, ये पूरी हमारी वॉल है, ये एक बॉल है। बॉल एक रस्सी से बांधी हुई है इस किनारे पर, और यहाँ पर क्योंकि ये वॉल से अटैच्ड है तो इस वॉल के कारण इसको इस तरफ रिएक्शन लगेगा। और जब भी रस्सी किसी चीज़ से बनी हो तो उससे टेंशन लगती है, तो टेंशन हमेशा बॉडी की अवे लगती है। सर जैसे सपोज ये कोई चीज़ है, ये कोई धागा है, तो धागे पर जो टेंशन है, जो आप कह सकते हो टेंशन पड़ रही है, वो ऊपर की तरफ पड़ती है, बॉडी से अवे होती है। यानी अगर मैं इस बॉल की बात करूँ तो इस पर ये जो रस्सी है जो इसकी टेंशन इससे अवे यानी ऊपर की तरफ लगेगी, साइड में से रिएक्शन लगेगा इसको, क्योंकि ये दीवार सपोर्ट करेगी इसको तो साइड से रिएक्शन लगेगा। और ये बॉडी का जो वेट है बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ एक्ट होता है, तो ये जो हमारा नीचे बिल्कुल डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज़ द डायरेक्शन जो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर से जो नीचे की तरफ जाती है दैट इज़ वेट। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेट। चलो सर ये चीज़ समझ में आ गई। तो वेट जो एक्ट हो रहा है वो नीचे एक्ट हो रहा है। वेट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन डाल दिए। चलो सर ये क्लियर है। अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये रिएक्शन कुछ बिल्कुल सेंटर पर लग रहा है, तो मैं इस रिएक्शन को इस तरफ डाल दूंगा। यानी मैं सबसे पहले ये पॉइंट कंसीडर करूँगा, इस पॉइंट से जो टेंशन है वो कुछ इस तरफ जा रही है। सर ठीक है, जो रिएक्शन है वो इस तरफ जा रहा है बाहर की तरफ, ये टेंशन है ये रिएक्शन है, और जो वेट है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है 10 न्यूटन। चलो सर ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये 30 डिग्री था, तो अगर मैं इसको यूं करके ज्वाइन करूँ तो ये एंगल भी सर 60 डिग्री हो जाएगा। चलो सर ये ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो ये 60, क्योंकि टोटल का सम 180 है, ये 90 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको यूं करके ज्वाइन करूं तो ये ऊपर वाला 60 है और ये नीचे वाला 90 है, यानी ये टोटल एंगल कितना होगा सर, ये 150 हो गया। चलो सर ये 150 हो गया, ये हमें पता लग गया। बेसिकली जो है एंगल ही निकालने हैं, जैसे ही एंगल निकलेगा लेमिस थ्योरम तो एक मिनट में लग जाएगी। चलो सर ये हमें क्लियर हो गया, दिस एंगल इज 150 डिग्री, तो हम इसको 150 डाल लेते हैं, तो ये 150 डिग्री आ गया एंगल। चलो सर ठीक है। अभी देखो ये एंगल 90 है, ये साफ नज़र आ रहा है। हाँ सर ये साफ नज़र आ रहा है। अब पूरे सर्कल का सम कितना होता है एंगल का, 360। यानी मैं बोलूँ भाई ये और ये एंगल मिलके 160 है, तो 150 और 90 कितना हो गया सर, ये होगा 240। 240 में 120 और ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा, यानी ये एंगल 120 डिग्री का हो गया। सर दोबारा से समझाओ, क्या समझाना बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको यही बताना भी टोटल का एंगल का सम कितना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए जब हम निकालेंगे तो इसका जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब हमने क्या लगाना है सर, अब हमने लेमिस थ्योरम लगानी है। तो लेमिस थ्योरम तो सर बहुत जल्दी लग जाएगी, हम इसको साफ कर लें पहले। लेमिस थ्योरम में क्या होता है बेटा, लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपने बस फोर्स के ऊपर साइन एंगल लेना होता है। जैसे मैंने मान लिया सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ, जैसे टेंशन लिया, मैं लिखूंगा टेंशन डिवाइडेड बाय जो टेंशन के अपोजिट एंगल है वो कितना है वो हमने देखना है। तो टेंशन के अपोजिट जो हमारा एंगल है वो हम यहाँ से आपको शो करते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये टेंशन है, टेंशन को छोड़ के इस वाली और इस वाली फोर्स में जो एंगल है वो 90, यानी टेंशन के अपोजिट 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम टेंशन अपॉन साइन 90 डालेंगे। चलो सर ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन के ओवर, रिएक्शन को छोड़ के जो अपोजिट एंगल है वो 150 डिग्री है, यानी आप इक्वल टू डालेंगे रिएक्शन अपॉन साइन 150 डिग्री। चलो सर ये भी क्लियर है कि हम साइन 150 डिग्री डालेंगे इसको, तो ये हमें क्लियर है। तो इसको हम 150 डिग्री डाल के हमारा सिर्फ एक चीज़ और रह गई जो कि हम डालेंगे, तो लेट वी सपोज दिस एंगल इज 150 डिग्री। तो जब 150 डिग्री की, जैसे बच्चे कहते हैं सर 150 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम हमें, है ना, कहीं बच्चे कहते हैं सर हमें 150 की वैल्यू नहीं मालूम, तो 150 की वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर 150 डाल ली है, आर के अपोजिट ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने लेना होता है, तो वो कितना है 150 है। चलो सर क्लियर है। एक चीज़ हो रहेगी हमारी, हाँ सर एक चीज़ हो रहेगी, वो क्या रहेगी, वेट। तो वेट 10 न्यूटन के अपोजिट कितना एंगल है, 120 डिग्री, तो मैं डालूंगा 10 अपॉन साइन 120 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, देखो जब आपने टेंशन निकालनी है आप इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ टी आ गया, साइन 90 नीचे 1 आ गया, इक्वल टू 10। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की आप वैल्यू कैलकुलेटर में देख सकते हैं, तो कैलकुलेटर में देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो वो तो पॉइंटों में देगा तो वो वैल्यू बता देगा आपको, यानी टेंशन आ गई हमारी 20/√3। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अब रिएक्शन निकालना है तो इसको और इसको इक्वेट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए फिर, तो यानी
10 अपॉन साइन 120। तो ये पहले एक बात सुनिए, पहले मैंने रिएक्शन निकालना है, टेंशन तो हमारी निकल गई से ना, अब रिएक्शन निकालना है तो इसको और इसको इक्वेट करिए, यानी 10 अपॉन साइन 120, साइन 120 वही हो गया रूट 3/2 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 150, साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है सर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू होगी 10/√3। चलो सर ये क्लियर है। ऐसे सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस जो इससे क्वेश्चन है उसमें मैंने सिर्फ सिंपल बना दिया, ये 37 डिग्री दे दिया, ये 53 डिग्री दे दिया, दो दे दिए 37 53 डिग्री। तो मैंने पूछ लिया भाई इन दोनों रस्सियों पर टेंशन कितनी है, तो पहले टेंशन की वैल्यू टेंशन ले लेते हैं। अभी टेंशन इन दिस रस्सी इस बॉडी से अवे लगेगी, तो ये टेंशन इस तरफ होगी T1। चलो सर ठीक है, टेंशन तो सर बॉडी से अवे ही लगनी है, तो हमने जब बॉडी से अवे लगानी है तो हमने टेंशन ऐसे लगा देनी है। तो आई सपोज मैंने टेंशन T1 यहाँ पर डाल दी, तो ये आ गई टेंशन T1। तो टेंशन T1 की डायरेक्शन है जो वो अवे लगेगी उससे, तो वो तो हमें मालूम ही है। सिमिलरली टेंशन T2 अवे लगेगी इधर, ये टेंशन T2 आ गई, ये टेंशन T1 इधर डाल देते हैं, इधर टेंशन T1। तो ये वेट एक्ट हो गया यहाँ पर, ये 37 है, ये 53 है, तो ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। चलो सर ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 हो जाएगा, 37 प्लस 90 आ गया 127 डिग्री। चलो सर ठीक है, ये 53 है तो ये 53 हो गया, 53 प्लस 90 सर ये 143 डिग्री हो गया। चलो सर ये भी क्लियर है। जब ये तो अब तो आपने लेमिस थ्योरम ही लगानी है, तो लेमिस थ्योरम लगाने में क्या है, दो मिनट लगते हैं। लेमिस थ्योरम अब आपको मालूम है कैसे लगानी है, जब आपने 10 लेना है तो 10 के अपोजिट 90 डिग्री, यानी 10 अपॉन साइन 90 इक्वल टू, अब टेंशन 1 लेनी है, टेंशन 1 के अपोजिट कौन है सर, ये पूरा एंगल है, जिसको लेना है उसको छोड़ के बाकी दो में जो एंगल है वो लेने होते हैं, तो बाकी दो में एंगल 143 डिग्री है, तो यानी मैं टेंशन 1 क्योंकि इसके अपोजिट लेना है ना, तो जो जिसके अपोजिट लेना वही लेंगे, तो टेंशन 1 ये वाली टेंशन, ये जो गोल में बनाई है टेंशन 1 अपोजिट टू कितना है साइन 143, साइन 143 डिग्री। चलो सर ये भी ठीक है, इक्वल टू और टेंशन 2 लेनी है तो टेंशन 2 के अपोजिट कितना 127, यानी टेंशन 2 इक्वल डिवाइडेड बाय साइन 127 डिग्री। अब मैंने सॉल्व नहीं करना, आप अपने आप सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टेंशन 1 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टेंशन 2 आ जाएगा। तो सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो ये हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके भेजना आपने, ठीक है मुझे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, इस रस्सी पे उन्होंने टेंशन पूछी है, तो टेंशन तो सर अवे होती है, टेंशन T1 हो गई। इस रस्सी पे सर टेंशन अवे जाएगी, तो ये टेंशन T2 हो गई। इस रस्सी पे भी टेंशन होगी, अगर इसके लिए किया देखोगे तो टेंशन इससे दूर जाएगी, तो अगर इसके लिए देखोगे तो टेंशन इससे दूर जाएगी, यानी रस्सी तो सेम है लेकिन टेंशन की वैल्यू सेम T3 होगी, लेकिन अगर इसके लिए देखोगे तो इससे दूर जाएगी, अगर इसके लिए देखोगे तो इससे दूर जाएगी, यानी ये दोनों है टेंशन सेम ही है, लेकिन आप ये कंसीडर करोगे तो इससे दूर, ये कंसीडर करोगे तो इससे दूर। अब मैं पहले क्या, मैंने लेमिस थ्योरम इन तीनों पे लगानी है, ये तीनों पर, इन तीनों पर लगानी है, तो मेरे तीनों के एंगल चाहिए, तो पहले मैं एंगल निकाल लेता हूँ। देखो ये 30 है, तो अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट जॉइन कर दूँ तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये नीचे पूरा 90 डिग्री है, 30 प्लस 90 कितना होगा 120 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, ये भी 120 है, तीनों का सम 360 होता है, यानी ये भी 120 होगा, क्योंकि 120 प्लस 120 प्लस 120 ये तीनों एंगल आ गए। यानी मैं बोलूँ W अपॉन इसके अपॉन, इसको छोड़ दो, इसके अपोजिट एंगल कितना है 120, यानी साइन ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली टेंशन 1 भी लोगे तो टेंशन 1 के अपोजिट भी ये 120 है, देखो तो ये आ गया साइन 120। तो ये क्वेश्चन ईजी है सर, तो अभी ये टेंशन T के 3 के अपोजिट भी ये 120, तो टेंशन 3 के अपोजिट भी साइन 120 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ वैल्यू बराबर ही है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, वेट की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी मैं कह सकता हूँ हमारी टेंशन 3 और टेंशन 1 दोनों ही 10 न्यूटन आ गए। चलो सर ठीक है, अब आपने जब ये लगा लिया तो अब नेक्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इस जोन को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये भी 60 हो जाएगा। तो अभी मैं ये बोलता हूँ ये एंगल कितना 60 हो जाएगा, तो ये 60 है और इसके नीचे 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया सर, 60 प्लस 90 सर 150, ये एंगल आ गया 150। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन थी और ये 120 था, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये 120 है और इसका सम 180 होता है, यानी ये 60 डिग्री आ गया, तो ये 150 आ गया, ये 60 आ गया, तो नेक्स्ट जो एंगल रह जाएगा, और ये टोटल 360 होता तो ये भी 150 आ गया,
तो बच्चों को ना एंगल नहीं निकालने आते। अब बच्चों को ये और ये में कन्फ्यूज ना, देखो ये लाइन खिंची है, ये यहाँ पर 120 डिग्री दी है, ये भी एक लाइन खिंची है, तो जब ये दोनों लाइन पैरल हैं तो इन दोनों के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, यानी ये 60 हो गया, तो करके ये जो मेरा एंगल है वो 60 है, क्योंकि ये 120 था और ये 60 हो गया। चलो सर ठीक है, अभी तो लैमिस सीरम लगानी रहेगी, अब तो एक मिनट का काम रह गया। हाँ सर, अभी देखो अभी हमें क्या उनसी मालूम है, अभी ये देखो इसमें पहले ये मैंने लिखा T3, तो अभी मैं T3 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा T3 के अपोजिट कौन है, 150 डिग्री, T3 अपॉन साइन 150 डिग्री, ठीक है सर ये क्लियर है। अब T3 की जगह मैं T2 लूँ तो T2 की अपोजिट कितना है, सर ये वाला एंगल है T2 के अपोजिट, तो साइन 60 आ जाएगा, यानी T2 अपॉन साइन 60। चलो सर ये भी क्लियर है। इक्वल टू लास्ट कौन है, वेट है, ये वेट इस क्वेश्चन में हम मानते हैं भी गिवन नहीं है, ये अननोन है, ये क्या है अननोन ले लेते हैं, ये पता नहीं है, तो वेट अपॉन क्या लिखेंगे, वेट का पोजिट कितना एंगल है साइन 150। चलो सर ये भी क्लियर है। अब इन तीनों में से पता कौन सी है, T1 T3 का TW, मैंने W तो अननोन दे दिया, सर हमें T3 मालूम है, T3 कितनी है 10 न्यूटन, प्रीवियस इससे निकाली थी पहले से, तो इसकी जगह आप क्या लिख दें, T3 की जगह 10 लिख दें, यानी अगर मैं T3 की जगह 10 लिखता हूँ तो मेरी सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। देखो ये मैंने डाली 10, T3 की जगह जब हमने डाली यहाँ पर वैल्यू 10, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कौन निकलेगा, सर T2 निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा, सर W2 निकल जाएगा, ये वाला वेट आ जाएगा W2, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट पता क्या है, इसको आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बना के बताता हूँ, तो ये आपने ट्राई करना है घर पे और ये मुझे सेंड करना है, ठीक है। जैसे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे दी, ये दे दी मैंने, मान लिया यहाँ पर मैंने बोल दिया यहाँ पर एक लैंप लगाया जिसका जो वेट है वो 30 न्यूटन है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इस पे जो टेंशन है इससे अवे, यानी T1, देखो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, T1 इधर लगेगी, T2 इससे अवे लगेगी। अब आपने लैमिस थ्योरम लगानी है, सारे एंगल निकालने हैं, ये एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री है, ये एंगल निकालिए, ये एंगल निकालिए, फिर T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन ये वाला एंगल, 30 अपॉन ये वाला एंगल, फिर T1 एंड T2 को सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।